भाइयों और बहनों, ये वंशवादी और अवसरवादी लोग सिर्फ अपने ही हित की सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज अगर इनके अस्तित्व पर संकट है तो ये मोदी के कारण नहीं है, इनके अपने कारनामों के कारण है। और ये भी देखिए, अब ये मेरे पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट भी बांटने लगे हैं। वो मेरे पिछड़े होने का मजाक उड़ा रहे हैं। साथियों, हर चुनाव में इन लोगों का जब पराजय सामने दिखने लगता है तो ये खेल शुरू हो जाता है। दो चरण में इनके हाल इतने खराब हो गए कि चाव 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 करना शुरू कर दिया। मेरी जाति इस पर आ जाते हैं, कोई नीच बोलता है, कोई कुछ गाली देता है, कोई कुछ गाली देता है। अब तो मुझे इन गालियों की अपमान सहने की, और वैसे भी हम गरीबों को पिछड़ों को सदियों से ये नामदारों की गालियां खाने की आदत हो गई है, मुझे भी हो गई है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने परिवार का पिछड़ापन दूर करने के अलावा और कुछ किया है क्या? आपने कितने गरीबों को, कितने शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को आगे बढ़ाया? अगर गिने तो पार्टी में 1 से 100 नंबर तक आप और आपका परिवार ही होता है। साथियों, मुझे देख करके हैरानी होती है कि आजकल ये विपक्षी लोग सड़क, बिजली, पानी, महंगाई ऐसे बुनियादी मुद्दे छोड़कर असली नकली पर बहस कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि इन लोगों को गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, मध्यम वर्ग की किसी की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है कुर्सी कब्जा करना। कुर्सी के लिए ये समाज को बांट सकते हैं, देश को बांट सकते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे सतर्क रहिए। इन लोगों की प्राथमिकता कभी आपका कल्याण, आपका विकास नहीं रही है। इनकी सरकारों की पहचान भी उद्योगों से नहीं बल्कि घोटालों से बनी थी। वो दिन याद करिए, चीनी मिल घोटाला, खनन घोटाला, महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों का घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, एम्बुलेंस का घोटाला, एनआरएचएम घोटाला। आप गिनते जाइए, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी।